आपका स्पार्क शैडो गेमिंग पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आप एक सिर्फ मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हो ऑन यूट्यूब। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर जाना है, उधर लिखना है टर्निप लाइव। तो टर्निप लाइव स्ट्रीम ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको सीधा यह करना है, स्ट्रीम नाउ नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर ऊपर सीटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सीटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इधर ऐसा यूट्यूब पर ऐड अकाउंट, जैसे फेसबुक पे आ रहा है ना वैसा ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा। उस ऐड वाले अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उधर आपने जिस भी यूट्यूब पर स्ट्रीम करना चाहते हैं उस गूगल अकाउंट को इधर लिंक कर देना है। वो आपकी परमिशन लेगा, तो उसको सब अलाउ कर देना है। तो पीछे जाना है, सेटअप स्ट्रीम करना है। सेटअप स्ट्रीम करने के बाद इधर नीचे मोर गेम्स में जाना है और इधर फिर मोर नीचे जाना है। और आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो, तो मैं फिलहाल पबजी मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। इधर आप अपने फीलिंग्स वगैरह में भी हैप्पी और प्लेइंग स्टाइल स्क्वाड ऐसा कुछ लिख देता हूँ, हिंदी में स्ट्रीम होगी। नेक्स्ट स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आप देख रहे हो ना स्ट्रीम टाइटल, ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा रिमूव कर सकते हो ऐसा सब कुछ। अब मैं स्माइली रिमूव कर देता हूँ। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो ये टर्निप ऐप ने दी हुई डिस्क्रिप्शन है, आप खुद की भी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्ट्रीम सेटिंग पे जाना है। नेक्स्ट स्ट्रीम सेटिंग के जाने के बाद आपको कुछ इस तरह सा इंटरफेस आएगा। तो आप ऊपर आप देख रहे हो ना स्ट्रीम क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप कौन से इधर 360 पे स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर 720p। फिलहाल मेरा 720p आ रहा है। और इस ऐप में आप 1080p पे भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो मेरा इधर रिकमेंडेड में 720p आ रहा है, मतलब मेरा 3 MBPS का स्पीड है। तो अभी मैं 3 MBPS पर रख देता हूँ। और इधर आप प्राइवेट स्ट्रीम भी कर सकते हो। तो सीधा यूट्यूब और जिस पर भी आप एक साथ दोनों भी यूट्यूब और फेसबुक दोनों को भी आप स्ट्रीम कर सकते हो। फिलहाल मैं यूट्यूब पे करना चाहता हूँ। इधर नेक्स्ट स्ट्रीम प्रीव्यू करना है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस आएगा। तो आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखाई दे होगा माइक को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और इधर वीडियो आपका फ्रंट कैमरा चलेगा तो आप वो भी कर सकते हो। और इधर नीचे वाला ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर जाके आप कस्टम ओवरले भी लगा सकते हो और उनके लिए ओवरले भी उधर आप ऐड कर सकते हो। तो आप ऊपर राइट हैंड साइड में देख रहा होगा तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे सिर्फ क्लिक करना है और अलो टर्निप टू रिकॉर्ड और कास्ट योर स्क्रीन स्टार्ट नो करना है। तो इतना करने के बाद आपकी अभी तक स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई है, क्या अभी तक स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई, डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन पे आपको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपकी अभी तक स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई। जब आप स्क्रीन वो लोगो दिख रहा है इंटरनेट का, आप देखो स्टार्ट हो जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई। अभी देखो ये देखो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर आपका इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ट्राई रिड्यूसिंग द बिट रेट। इसके ऊपर आप अपना बिट रेट सेट कर सकते हो, कितना रखना चाहते हो, 1.3 MBPS वगैरह सब कुछ। तो आप इधर माइक के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी अंदर क्या आईडियो इंटरनल साउंड है ना वो भी चेंज कर सकते हो, माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर ऊपर देख रहा होगा चैट के नीचे वाले ऑप्शन पे सब्सक्रिप्शन किसने सब्सक्रिप्शन किया है, डोनेशन किसने किया है। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल जाता है। तो चलो बस इतना ही था। तो देखते ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो दोस्तों, बाय।